स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों उम्मीद है आप लोग रोजाना की तरह ठीक होंगे, आपका परिवार बहुत बेहतर होगा। आज हमारे जो पार्ट 72 वीडियो है उसमें हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों प्लाज्मा जो होता है रुधिर का ही एक पार्ट होता है, जिसमें इसकी मात्रा 55% होती है, यानी कि 55% होती है, ठीक है। हालांकि जो हमारा रुधिर है उसको हम अलग अलग खंडों में बांट कर वीडियो में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में बच्चों हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो प्लाज्मा होगा, ठीक है ना। इसकी मात्रा हमारे ब्लड के अंदर कितनी होती है, 55% होती है ब्लड के अंदर। रुधिर के अंदर प्लाज्मा की जो मात्रा होती है ना वो कितनी होती है, वो 55% होती है, याद रखिएगा। बाकी जो 45% होता है वो रुधिर कणिकाएं होती है। हालांकि इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो केवल प्लाज्मा को लेकर होगा, ठीक है। यानी कि ये रुधिर का एक घटक होता है, रुधिर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। प्लाज्मा तो इसको दो भागों में बांटा गया है, रुधिर के घटक आप देख पा रहे होंगे, रुधिर के घटकों को दो भागों में बांटा है, एक प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। तो भैया इसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, आज केवल प्लाज्मा की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये 55% रुधिर के अंदर होता है, और शरीर के अगर कुल रुधिर की बात करें तो लगभग 3.5 लीटर कुल रुधिर में इसकी मात्रा होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी आदमी का वजन 70 किलो है, कितना है 70 किलो, तो उसमें, ठीक है, 70 किलो आदमी में इसकी जो मात्रा होगी, किसकी प्लाज्मा की मात्रा 3.5 लीटर के आसपास होगी, ठीक है। याद रखिए जीके का क्वेश्चन बनता है इसमें से, कितनी मात्रा होगी इसमें, लगभग 3.5 लीटर, यानी कि 5% भाग। कुल अगर शरीर की बात करें, कुल बॉडी की बात करें, तो कुल बॉडी का कितने परसेंट भाग बनाता है, 5% भाग लगभग बनाता है, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा है वो कुल शरीर का कितने परसेंट भाग बनाता है, तो आप कह दीजिए 5% भाग बनाता है, ठीक है। जीके के ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं बच्चों। इसके बाद अगर हम बच्चों इसमें इसके कुल टोटल की बात करें, कुल इसके 100% की बात करें, तो इसमें 90% वाटर होता है, 90% इसमें वाटर होता है। और अगर हम बाकी 10% की बात करें, 10% की बात करें, तो उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, यानी कि अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होंगे, ठीक है, प्रोटीन होंगी, विटामिन होंगे, एंजाइम होंगे इसके अंदर। बाकी 10% के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे और इनऑर्गेनिक पदार्थ यहाँ पर होंगे, ठीक है। अगर बच्चों हम इसकी एक तरीके से जो जीव द्रव्य है उसकी बात करें, तो ये रुधिर का निर्जीव भाग होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये निर्जीव भाग होता है, मतलब इसमें रुधिर कणिकाएं नहीं होती, इसमें जीवन नहीं होता है, ये केवल निर्जीव भाग होता है इसका, रुधिर का, यानी कि ये रक्त का एक नॉन लिविंग पार्ट होता है, जिसके अंदर जीवन नहीं होता, ठीक है, याद रखिए मेरी बात को, इसके अंदर जीवन नहीं होता है। और भैया अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें इसमें क्या, इसमें रुधिर कोशिकाएं नहीं होती, यानी कि इसमें जो रुधिर सेल्स होती है, रुधिर कोशिकाएं इसके अंदर 9% होती है, इसके अंदर रुधिर कोशिकाएं बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, रुधिर कोशिकाएं नहीं होगी, 9 होगी, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये निर्जीव भाग होता है किसका, रुधिर का, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थों के रूप में, ठीक है, कौन कौन होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, और ग्लूकोज होता है, और इसके अंदर जो है, ठीक है, वसीय अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, एंजाइम हार्मोन, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम भी होता है इसके अंदर, विटामिन प्रोटीन भी होता है, विटामिन प्रोटीन भी इसके अंदर होता है, ठीक है ना। यानी कि ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंतर्गत यहां पर आते हैं, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल, वसीय अम्ल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वसीय अम्ल। अगर इनमें से आपको कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनता है तो आप इनमें से ऑर्गेनिक पदार्थों में इनमें से आप चुनाव कर सकते हो, ठीक है ना। प्रतिरक्षा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, वसीय अम्ल, ठीक है ना।
तो ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं, किसके प्लाज्मा के अंदर ये मौजूद होते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम सिर्फ प्रोटीन की बात करें, यहाँ पर किसकी प्रोटीन की ही बात करें, तो यहाँ पर जो प्रोटीन होती है वो कौन कौन सी होती है उनको भी जरा यहाँ देखिएगा कि जो प्रोटीन होती है वो यहाँ कौन कौन सी होती है। एल्बुमिन प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन होती है, और भैया एक प्रोटीन होती है हिपेरिन, हिपेरिन प्रोटीन होती है, और क्रायोजोनन प्रोटीन यहां पर होती है, और इसके अलावा ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी यहां पर होती है, ठीक है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन यहां पर होती है। तो तीन चार तरह की प्रोटीन जो है यहां पर होती है। प्यारे बच्चों अगर हम महत्वपूर्ण प्रोटीन हिपेरिन की बात करें, तो हिपेरिन टैबलेट भी आपने सुना होगा, हिपेरिन एक टैबलेट भी आती है, दवाई भी आती है हिपेरिन के नाम से, तो वो भी किससे संबंधित होती है, ब्लड से संबंधित होती है, ठीक है ना। तो जो हिपेरिन है ये क्या काम करती है प्रोटीन, यहाँ पर इसके जरा फंक्शन देखिएगा, ये रुधिर में प्रतिस्कंदन का रोल करती है। प्रतिस्कंदन मतलब जो हृदय की धड़कन है, इनके जो ब्लड की जो धड़कन होती है, कहीं ना कहीं हिपेरिन उसमें हमारी मदद करती है, इनके हिपेरिन का इनमें बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। अब ये जो स्कंदन होता है ना, ये क्या मदद करता है, ये ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, थक्का होता है रुधिर का जमना, उसमें हमारी हेल्प ये करता है, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि प्लाज्मा भी कहीं ना कहीं हमारे जो रुधिर का थक्का है, चोट लग जाती है या फिर किसी और कारण से रुधिर का थक्का बन जाता है, तो ये उसमें हमारी मदद करती है, ठीक है। अगर आपसे प्लाज्मा का कार्य भी पूछा जाता है तो आप वहां पर ये भी कह सकते हो, यानी कि जो प्रोटीन होती है ये चोट लगने पर, ये चोट लगने पर क्या करती है, रुधिर के स्कंदन में सहायता करती है, ठीक है ना। प्लाज्मा जो है चोट लगने पर रुधिर के स्कंदन में भी हमारी हेल्प करता है, यानी कि रुधिर को स्कंदित करता है, ठीक है, यानी कि जो थक्का है उसको जमाने में हमारी हेल्प करता है। बच्चा थक्का क्या होता है, रुधिर का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जब हमारे शरीर पर कहीं चोट लग जाती है या किसी और कारण से शरीर का जो ब्लड है वो बाहर निकल रहा हो, लगातार रुक नहीं रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि थक्का नहीं जम रहा है, ठीक है ना। यानी कि पाइपलाइन से रुधिर निकलना बंद होना चाहिए, इसी को ही रुधिर का थक्का बोलते हैं, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों में बात करूंगा अकार्बनिक पदार्थों की, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ। इसके अंदर भैया अकार्बनिक जो पदार्थ होंगे वो कौन कौन से होंगे, इस पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। अकार्बनिक पदार्थों में बच्चों यहाँ पोटेशियम होगा आपका, जो है सोडियम होता है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी यहाँ पर मौजूद होता है, और भैया इसमें यहाँ पर कार्बोनेट भी होता है। कार्बोनेट हालांकि अलग अलग चीजों के रूप में हो सकता है, और यहाँ पर कुछ सल्फेट और क्लोराइड्स भी होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो अकार्बनिक पदार्थ है प्लाज्मा में कौन कौन से होते हैं, तो आप इनमें से यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ये लिखा हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्या, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, और कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, क्लोराइड होते हैं, क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट। प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आयनों के रूप में होते हैं। आयनों का मतलब है कि ये किसी न किसी दूसरे साल्ट के साथ भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कार्बोनिक अम्ल के रूप में, या अन्य सल्फेट के रूप में, या फिर NaCl जिसको आप बोलते हो, मतलब सोडियम क्लोराइड के रूप में, ये जो इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक पदार्थ है, ठीक है ना, ये यहाँ पर इनके रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अगर मैं आपको एक बीमारी की बात बताऊं, ठीक है, बीमारी की बात करते हैं एक, इसका नाम है एनीमिया। एनीमिया आपने नाम सुना होगा, एनीमिया एक बीमारी है, एनीमिया इसको रोग बोलते हैं, एनीमिया भी इसी से ही संबंधित है। मतलब आप कह सकते हो कि जब एनीमिया रोग होता है तो ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, ब्लड की बात कर रहा है, ठीक है ना। एनीमिया भी ब्लड से संबंधित रोग होता है, ठीक है, यानी कि जब रुधिर का थक्का नहीं जमता तो भी यहाँ पर एनीमिया का मामला होता है, ठीक है, यानी कि जब रुधिर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। आप इसको याद रखिए कि एनीमिया जो रोग होता है वो इनमें से किससे संबंधित है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, एनीमिया रोग इनमें से किससे संबंधित है,
ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा रुधिर, यकृत, गुर्दा, फेफड़े, इस तरह के ऑप्शन वहां पर आपको मिलेंगे। तो आपको रुधिर पर क्लिक करना है। आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो एनीमिया जो रोग होता है वो ब्लड से संबंधित है। और भी ऐसे बच्चों बहुत सारे रोग हैं जो हमारे ब्लड से संबंधित है, हालांकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं बच्चों, अगर हम इसकी अलग अलग बात करें, यानी कि यहाँ जो भी मैंने आपको बताया था कि जो वसी अम्ल है और आपका ग्लिसरीन है, एमिनो अम्ल है, विटामिन है, ये क्या काम करता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति करता है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर इनके द्वारा होता है, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता है, इनका निर्माण होता है, ठीक है। अगर बच्चों हम उत्सर्जी पदार्थ की बात करें, तो उत्सर्जी पदार्थ में कहीं ना कहीं, ठीक है, जो अमोनिया है वो कहाँ बनती है, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, ये सभी के सभी हमारे लीवर में, ठीक है, बनते हैं, यानी कि हमारे जिगर में बनते हैं, जिसको आप यकृत कहते हो। यकृत, एक यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर वृक्क जो है वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे, मतलब अगर हमारी किडनी जो है ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है, तो क्या होता है, तो भैया यूरिया की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। यूरिया की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, कहां, ये हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम यूरियामय बोलते हैं, ठीक है, या यूरिमय, इस बीमारी को हम कहते हैं यूरिमय, ठीक है ना, यूरिमय इस बीमारी को बोलते हैं, या यूरिमिया, ठीक है, यूरिमिया भी हम इस बीमारी को यहां पर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है कि अगर वृक्क जो है अपना ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता, तो क्या होता है, होता यह है कि ब्लड के अंदर जो है यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। इस रोग को हम क्या बोलते हैं, यूरिमिया यहां पर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की जो प्लाज्मा टॉपिक था वो आपकी समझ में आ गया होगा। इसका जो दूसरा खंड है उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। धन्यवाद।